एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा बेटा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो होगा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, राइट? एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, राइट? और फिर एक और तब्दीली इसमें आएगी कि जो फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल हो रही है उसकी जगह पर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, और साथ में, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है, साथ में बी लगेगा और साथ में जो है वो बाय भी इस्तेमाल होगा। मेरे ख्याल ये मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक मिस कर दिया है, वो यहाँ पर बेटा जो थर्ड फॉर्म है इसके बाद बाई आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ठीक है? या आप जरा करेक्शन कर लें प्लीज, सॉरी, समटाइम्स प्रिपेयर करते हुए मिस हो जाता है। सब्जेक्ट विल शेल बी थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ओके? सी, एक्चुअली पैसिव वॉइस का ये जो सब्जेक्ट है ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, और पैसिव वॉइस का ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्चुअली एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, ठीक है? सो एक्टिव वॉइस में ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट था, इसलिए इसके ऊपर एक्शन हो रहा था, राइट? अब वही ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बन गया तो अब वो रिसिपिएंट बन गया उस वर्ब का, ठीक है? किस तरह से, आइए जरा इसकी एग्जांपल देखते हैं। ई एंड जी, एक बच्चे ने पूछा था अभी थोड़ी देर पहले कि ई ई जी और एग्जाम्पल में क्या फर्क है। बेटा मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल एक्चुअली द ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ऑफ एग्जाम्पली ग्रेशिया, ओके? ई एंड जी, ई फॉर एग्जाम्पल, जी फॉर ग्रेशिया, दीज आर टू लेटिन वर्ड्स, इफ दोज आर ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश तो बोथ ऑफ द वर्ड्स ऑफ लेटर वर्ड्स द ट्रांसलेशन बिकम्स फॉर एग्जाम्पल, ओके? तो उसको जो इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो वो फॉर एग्जाम्पल, मतलब पूरी फॉर एग्जाम्पल बनता है, तो हम ई एंड जी पूरे फॉर एग्जाम्पल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये लिखा हुआ है कार्स विल बी ड्रिवन बाय पीपल, तो एक्टिव वॉइस में करेंगे तो हम कहेंगे पीपल, पीपल विल ड्राइव कार्स, राइट? पीपल हम पहले लेकर आएंगे, पीपल फिर विल ड्राइव कार्स, एंड इन पैसिव वॉइस वही कार्स सबसे पहले आ गए, ओके? और पीपल एंड पर चलेंगे, तो क्या होगा, वॉच केयरफुली बेटा, कार्स विल बी ड्रिवन बाय पीपल, ओके? कार्स विल बी ड्रिवन बाय पीपल, ऊपर वाले स्ट्रक्चर को देखिए, सेम है, सब्जेक्ट कार्स विल, योर हेल्पिंग वर्ब, देन बी, देन थर्ड फॉर्म, देन बाय, वो मैंने करेक्ट करवा दिया कि ऊपर बाय नहीं है लेकिन नीचे मैंने लिखा हुआ बाय और एंड में पीपल, ओके? तो पहले सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा था, अब वो बाद में जो है काम तो वही पीपल कर रहे हैं लेकिन सब्जेक्ट उस काम को रिसीव कर रहे हैं, ओके? किसके ऊपर होगा, यानी पीपल विल ड्राइव कार्स, बट जिनके ऊपर काम हो रहा वो पहले हैं और जो करने वाले हैं वो बाद में, यानी सब्जेक्ट जो इस वर्ब या एक्शन को रिसीव करता है एज अ सब्जेक्ट। यस बेटा, एक्टिव एंड पैसिव, समटाइम्स स्टूडेंट्स आस्क मी सर, कांट वी जस्ट यूज एक्टिव वॉइस इन इंग्लिश, क्या हम सिर्फ एक्टिव वॉइस को इस्तेमाल नहीं कर सकते अपनी लैंग्वेज में, पैसिव वॉइस जरूरी है क्या? यस बेटा, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्टिव, हम जब भी कोई कॉन्वर्सेशन करते हैं तो उसमें हम एक्टिव और पैसिव दोनों को इस्तेमाल करते हैं, ओके? बहुत सारे, मैंने आपको बताया ना, एक्टिव और पैसिव जो भी एक लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर काफी टाइम लग सकता है, लेकिन अभी हम, आज का हमारा टॉपिक सिर्फ फ्यूचर है, तो अगर सिर्फ इनको एक्सप्लेन किया जाए, स्टडी किया जाए, तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका पैसिव वॉइस ही बनता है, ठीक है? तो अगर ऐसी बात आप करना चाह रहे हैं जिनका सिर्फ पैसिव वॉइस ही बनेगा तो फिर आप उसको एक्टिव वॉइस में कैसे आप बयान कर सकोगे, ओके? तो इसलिए आपने ये जो पूछा, इसलिए ये दोनों जो है ये दोनों लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं, ये जरूरी है, एक्टिव को भी।
हालांकि ये क्या है, ये एक ही चीज की दो साइड है, एक ही चीज की दो साइड, साइड ए एंड साइड बी दोनों मिलकर, कभी भी कोई चीज जो है वो वन साइडेड नहीं हुई, ठीक है। अगर कोई भी आप कोई भी चीज ले लें, सपोज आपने जो है वो अपनी बुक की ले लें, ठीक है, बुक की एक साइड है तो दूसरी साइड भी मौजूद होगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक साइड तो हो और उसकी दूसरी साइड जो है वो हो ही ना, दोनों दोनों मिलकर एक बुक बनाएंगे। इसी तरह से एक्टिव एंड पैसिव मिलकर आपकी लैंग्वेज बनाते हैं, आपके आपकी कॉन्वर्सेशन में आपको जो है वो आसानी पैदा करते हैं, आप बड़ी आसानी से अपनी गुफ्तगू कर सकते हैं, राइट। ओके जी, आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू। प्लीज, कार्स विल बी ड्रिवन बाय पीपल। ओके, नेगेटिव सेंटेंस का आप जरा स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट विल शेल, बेटा ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल और शेल, ये एक्टिव वॉइस में भी सेम रहेंगे और पैसिव वॉइस में भी सेम रहेंगे, बल्कि ये अपनी पूरी जो इसकी ब्रांचेस हैं, यानी इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, उन चारों में ही ये हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते रहे, सेम रहेंगे। कुछ ऐसे टेंसेज हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाते हैं, मगर इनमें चेंज नहीं होते, राइट। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट विल शेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव फॉर्म के लिए। कार्स बेटा, लेट मी आंसर टू योर क्वेश्चन लेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुझे करने दीजिए। ओके, कार्स विल बी, ओके नेगेटिव, कार्स विल नॉट बी ड्रिवन बाय पीपल, कार्स विल नॉट बी ड्रिवन बाय पीपल, ये इसकी नेगेटिव की फॉर्म एग्जाम्पल है। और इंट्रोगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए वही जो मैंने आपको एक्टिव वॉइस में बताया था, सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब वुड बी विल बी रिप्लेस्ड विद ईच अदर, विल बी एक्सचेंज्ड विद ईच अदर, इन द एट द फर्स्ट फॉर्म विल शेल एंड सेकेंड फॉर्म सब्जेक्ट देन बी थर्ड फॉर्म बाय एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इज, विल कार्स बी ड्रिवन बाय पीपल, will cars not be driven by people, if you put between if you put not in between cars and be, right? So if it would be your interrogative sentence with not, will cars be driven by people, will cars not be driven by people, if you better put interrogative word here in the beginning of this interrogative sentence, then the shape of this interrogative sentence will be, where will cars be driven by people, where will cars not be driven by people. Okay, and see one thing more perhaps that is on your screen or not, I think that is not being shown here. Okay, but who, if a sentence that's going to be started with who, if that is beginning with who, that would be changed into by whom, right? That who will be changed into by whom. The structure of that will be, at first place by whom, then will shall, then subject, then be, then third form, and then question mark. Okay, then in the end question mark, no by will come in the end, because already you are asking about someone, that who is the subject. So by whom, will, shall, subject, be, third form. Okay beta, okay, for example, just only this example we will discuss, because I'm watching that the time is going to be ended. Example is here, who will play cricket, cricket kaun khelega, who will play cricket, cricket kaun khelega. So you would change into passive voice like this, by whom will cricket be played. Okay, who will play cricket, so this who will be changed into by whom, so by whom will cricket be played. Okay. So thank you so very much for being with me this morning today, and I do hope that each and everything is clear to you. Please, if any question that remains behind, we'll must discuss tomorrow. Okay, so thank you so very much, beta. Take care and stay at home.
keep yourself safe and healthy. Okay, stay blessed. Thank you, beta. Thank you, all of you.